गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर टॉपिक्स ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. एंड द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मसल्स. What do we understand by this functional classification of body muscles? See, हमारी body में बहुत सारी muscles हैं जो different functions perform करती हैं. Because they are performing different functions, so we are giving them different names, just depending upon the type of function they are providing. So, we are going to discuss about the few terms that are given to these muscles depending upon the function which they are performing. So, the first one is flexor, and associated with this flexor is extensor. This is the classification of two muscles which are functioning differently. With this, I am also going to talk about the antagonist muscles. इसी में साथ साथ मैं बताती चलूंगी कि कौन सी मसल्स एक दूसरे से एंटागोनिस्ट फंक्शन करती हैं. एंटागोनिस्ट सिंपली मींस ओपोजिट फंक्शन करती हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सर मसल्स, तो फ्लेक्सर मसल्स कौन सी होती हैं? जो मसल्स हमारी बॉडी के दो जॉइंट्स के बीच में एंगल को कम करने का काम करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं. या सिंपली आई कैन से जो मसल्स बेंडिंग में इन्वॉल्व होती हैं, जिन मसल्स की हेल्प से हम बॉडी के पार्ट्स को, जॉइंट्स को बेंड कर सकते हैं. से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइसेप्स दैट आर प्रेजेंट हियर, सो इफ आई वांट टू फोल्ड माय हैंड, देन दिस बाइसेप इज फंक्शनिंग. और ये जो एंगल है यहां वाले जॉइंट का, दिस एंगल इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज ऑफ दिस बाइसेप मसल. सो फ्लेक्सर इज हेल्पिंग इन बेंडिंग एंड इट इज डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू मसल्स. Decreasing angle between the joint, उन muscles को हम क्या बोलते हैं? Flexor muscles बोलते हैं. Example is biceps. अब extensor muscles कौन सी होती हैं? Extensor muscles वो होंगी जो इस angle को increase करने में responsible होंगी. और जब ये angle increase होगा तो हमारे limbs क्या होते हैं? Straight होते हैं. If this angle is maximum, the limb is going to स्ट्रेटन. सो ये मसल्स हमारे लिम्स को स्ट्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जॉइंट्स के एंगल को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इट इज गोइंग टू स्ट्रेटन द लिम्स एंड इंक्रीज एंगल बिटवीन द जॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप्स दैट आर प्रेजेंट. So these are the different functions that are performed by flexor and extensor. अब ये flexor और extensor कैसी हैं? ये antagonist muscles हैं. Antagonist का मतलब है opposite function कर रही हैं. जब हमारी biceps contract करती हैं, the extensors will be relaxed. And when these extensors are going to function, these biceps will be relaxed. एक body को bend करने के लिए, body part को bend करने के लिए responsible है और दूसरी body part को straight करने के लिए responsible है. That's why I am saying these muscles are working antagonist to each other. Now another pair of muscles are, other than flexor and extensor, the third one is pronator and supinator. Pronators वो muscles हैं जो कि हमारी palm को डाउनवर्ड या पोस्टीरियर मूव करती हैं. सो इफ पाम ऑफ आर हैंड इज मूविंग डाउनवर्ड, देन प्रोनेटर मसल्स आर इन्वॉल्व. सो इट इज हेल्पिंग इन द मूवमेंट ऑफ पाम डाउनवर्ड और पोस्टीरियर, that is pronator. Supinator उससे opposite function करती है, that is going to move the palm upward or anterior. So movement of palm
upward or anterior. That is done by supinator. Now another combination is adductor and abductor. These two muscles, ये भी एक दूसरे से antagonist function करती है. What these muscles are going to do? इस मसल को समझा सकते हैं हम अपने सेंट्रल एक्सिस से. सपोज दिस इज अ लाइन, द मिडल लाइन, द सेंट्रल एक्सिस. अब जो मसल्स हमारी बॉडी के लिम्स को मिड लाइन के, दिस इज द मिड लाइन, सो दिस इज द लिम्ब ऑफ माई बॉडी. सो इफ द मसल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दिस लिम्ब टूवर्ड्स द मिड लाइन, जो मसल्स हमारे लिम्स को मिड लाइन के पास लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? एडक्टर है. और जिन मसल्स की हेल्प से द लिम्स आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन, दिस इज द मिड लाइन एंड लिम्ब इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, दैट इज एबडक्टर. सो एडक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग लिम्स टुवर्ड्स द मिड लाइन. और जो एबडक्टर है दे आर sending them away from the midline. So दोनों ही opposite function कर रही हैं. एक midline के पास लाने के लिए responsible है हमारे limbs को और दूसरी away ले जाने के लिए responsible है. Now another type of muscles are elevator and depressor. Elevator और depressor क्या है? Elevator means muscles जो किसी भी body part के upward movement के लिए responsible होती है. Those जो muscles involved होंगी वो कैसी होंगी? Elevator. हम उन्हें क्या बोलेंगे? Elevator. For example, if I want to close my mouth, then this lower jaw is going to move upward and because of upward movement the mouth is going to close. So this is the upward movement of a body part. और अगर हमें अपना mouth open करना है then this lower jaw is going to move downward. तो depressor muscles किसी भी body part के downward movement के लिए responsible है और elevator body part के upward movement के लिए responsible है. So these type of muscles are involved in upward movement of body part and this is responsible for the downward movement of body part. So these are also functioning antagonists to each other. Now some muscles are known as rotators, जो हमारे body parts को rotate करने के लिए responsible होते हैं, rotatory movements देती हैं, जैसे कि thigh muscles हैं, we can pull our thigh upward and we can rotate it. So rotators rotate करने में involved होती हैं. Now some muscles they are involved in sphincter and dilator. If you remember the digestive system, excretory system, वहां हमने sphincters की बात की थी. Sphincters contract होते हैं, open होते हैं. जैसे कि हमने esophagus में बात की, जब esophagus stomach में open होता है तो वहां पर sphincter present है, cardiac sphincter. और जब stomach open होगा large small intestine में, वहां पर भी एक स्पिंचर प्रेजेंट है, पाइलोरिक स्पिंचर. तो स्पिंचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मूवमेंट को स्टॉप कर देंगे, दे विल रिलैक्स, ओपन और मूवमेंट फैसिलिटेट होती है. तो स्पिंचर मसल्स कौन सी हैं जो कि जो हमारा स्पिंचर प्रेजेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डायलेटर कौन सी है जो उसको रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो दे आर रेगुलेटिंग द साइज, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द
स्पिंचर्स. सो दीज आर डिफरेंट मसल्स जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. दैट्स व्हाई वी हैव गिवन डिफरेंट नेम्स टू देम. एंड दीज मसल्स आर फंक्शनिंग एंटागोनिस्ट टू ईच अदर. ये मसल्स एक दूसरे से ऑपोजिट फंक्शन करती हैं और इनकी वजह से बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट डिफरेंटली होती है, डिफरेंट मूवमेंट होती है बॉडी पार्ट्स की. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो वी आर जस्ट समराइजिंग दैट व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स जिन्होंने मसल कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट लिया है. तो अगर हम मसल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला रोल जो आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, दैट इज बाय कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स. हमने कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स पढ़े थे और इन्हीं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स की मूवमेंट की वजह से क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है. सो द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, मायोसिन. ये सारे के सारे प्रोटीन्स किसमें इन्वॉल्व है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है. इनकी मूवमेंट ही मसल कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करती है. नाउ अदर देन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हमें क्या चाहिए हैं, एनर्जी सोर्स चाहिए. मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. सो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज देयर एंड लिपिड्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स दे आर गोइंग टू स्टोर इन द मसल्स. वो मसल्स में स्टोर रहते हैं और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी देन दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी. ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेंगे और मसल कॉन्ट्रैक्शन को फैसिलिटेट करेंगी. नाउ अनदर देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप्स. हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप्स वाक्य से दीज आर एनर्जी प्रोवाइडिंग ग्रुप्स. एंड वी नो द इम्पोर्टेंट एनर्जी प्रोवाइडिंग ग्रुप इज एटीपी. मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एटीपी प्रोवाइड करेगा, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो मसल सेल्स आर हैविंग दिस एटीपी. अनदर वन इज फॉस्फोक्रिएटिन. दिस फॉस्फोक्रिएटिन इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी. सो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए द मसल्स आर हैविंग एटीपी एंड फॉस्फोक्रिएटिन. एटीपी के बारे में हम जानते हैं दैट एडीपी इज प्रेजेंट इन द सेल्स. दिस एडीपी इज गोइंग टू कंबाइन विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ये यहां से क्या बना लेती है, एटीपी बना लेती है. और एटीपी के पास क्या है, एनर्जी है. जब भी मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होगी दिस एटीपी अगेन इज अगेन गोइंग टू ब्रेक डाउन इन टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और यहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है. जो फॉस्फोक्रिएटिन है, हाउ दिस फॉस्फोक्रिएटिन इज गोइंग टू फॉर्म, द क्रिएटिन इज फॉर्म्ड बाय लिवर. लिवर क्रिएटिन बनाता है और जब मसल्स रिलैक्स्ड पोजीशन में होती हैं, एट दैट टाइम दिस क्रिएटिन इज गोइंग टू कंबाइन विद एटीपी और ये एटीपी क्या करती है, अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको प्रोवाइड कर देती है, क्रिएटिन को प्रोवाइड कर देती है. एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू फॉस्फोक्रिएटिन प्लस एडीपी और वापस से जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, देन अगेन दिस फॉस्फेट ग्रुप विल बी ट्रांसफर टू द एडीपी. ये एटीपी बनाएगा और वहां से फिर एनर्जी प्रोवाइड होगी. तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एटीपी प्रेजेंट होगी, जब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो वहां पर एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको देती है, क्रिएटिन को देती है. फॉस्फोक्रिएटिन प्रेजेंट होता है और एडीपी सेल में प्रेजेंट होती है. सो दीज रिएक्शंस आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मसल्स इज मसल्स आर हैविंग अ ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट दैट इज मायोग्लोबिन. जैसे कि हम ब्लड में बात करते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है.
एग्जैक्टली वैसे ही मायोग्लोबिन मसल्स में प्रेजेंट होता है. दिस मायोग्लोबिन इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एफिनिटी विद ऑक्सीजन एंड दिस मायोग्लोबिन इज हेल्पिंग द मसल्स टू फुलफिल देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. नाउ अदर देन दीज देर आर वेरियस आयंस दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट. डिफरेंट कैटायंस एंड एनायंस आर प्रेजेंट इन द मसल सेल्स जो मसल कॉन्ट्रेक्शन में रोल प्ले करते हैं. फॉस्फेट इज देयर दैट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट. अदर देन दिस मैग्नीशियम सोडियम इज देयर. क्लोराइड इज प्रेजेंट. फॉस्फरस इज देयर. कैल्शियम इज प्रेजेंट. सो डिफरेंट कैटायंस एंड एनायंस आर प्रेजेंट इन द सेल जो भी किस्म जो किसमें इन्वॉल्व होंगे मसल कॉन्ट्रेक्शन में इन्वॉल्व होंगे. हमने कैल्शियम आयंस का फंक्शन पढ़ा था कि हाउ कैल्शियम आयंस आर इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन. सो ये सारी की सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है मसल कॉन्ट्रेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए. देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स. ये तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात थी. नाउ कॉन्ट्रैक्शन के बाद द मसल्स हैज टू रिलैक्स. अगर रिलैक्स्ड पोजीशन में नहीं आएंगी तो मसल्स आर नॉट गोइंग टू फंक्शन प्रॉपरली. सो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन देयर इज मसल रिलैक्सेशन दैट इज टेकिंग प्लेस. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तब हमने क्या पढ़ा था दैट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज गोइंग टू रिलीज कैल्शियम आयंस. आई एम अगेन रिवाइजिंग इट फॉर यू. From sarcoplasmic reticulum, calcium ions release होंगे. This calcium ion is going to bind with troponin C. और troponin C के साथ bind करने की वजह से conformational change होता है. और tropomyosin, जो कि tightly binded था actin के साथ, उनका interaction decrease हो जाता है. There is decrease in interaction of ट्रोपोमायोसिन एंड एक्टिन. और जब इनका इंटरेक्शन डिक्रीज होगा देन दिस एक्टिन कैन इज नाउ अवेलेबल. द एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन आर अवेलेबल. और किसकी बाइंडिंग होगी एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग होगी और जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है. सो दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन. अब मसल रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होगा. ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन दिस कैल्शियम आयन इज गोइंग टू गो बैक इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कैल्शियम आयन वापस से कहां चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा. जब कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा तो ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंडेड नहीं होगा. सो ट्रोपोनिन सी विल बी फ्री. There is no binding of calcium with the troponin C. और जब ये free होगा then it is going to interact with troponin and tropomyosin. तो tropomyosin वापस से अपनी original position में आ जाता है and it is showing, tropomyosin is showing shows strong binding with actin. ओरिजिनल पोजीशन यही थी. सो इट इज कमिंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट और वापस से ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड करता है एंड देयर विल बी ब्रेकेज. एक्टिन मायोसिन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा. सो नो इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन. और अगर इनमें इंटरेक्शन नहीं होगी तो मसल्स कैसी होंगी रिलैक्स्ड होंगी. सो जो प्रोसेस मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता है दैट प्रोसेस विल बी रिवर्स्ड बाय कैल्शियम आयंस और जिसकी वजह से मसल्स वापस से कैसी हो जाती हैं रिलैक्स हो जाती हैं. सो दिस इज हाउ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस. जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा और मसल रिलैक्सेशन होगा जब वापस से कैल्शियम इज गोइंग टू एंटर इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now let's see the type of contraction that can take place, that is isotonic and isometric contraction.
टू अंडरस्टैंड आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स. इनको समझने के लिए हमें मसल्स की फंक्शनिंग को समझने की जरूरत है. मसल्स कैसे फंक्शन करती है. सी इफ आई वॉन्ट टू पिक अप अ बुक, अगर मुझे एक बुक उठानी है तो मेरी हैंड की मूवमेंट कब होगी, जब मेरे हैंड की मसल्स मूव करेंगी. सो मूवमेंट ऑफ हैंड विल बी फैसिलिटेटेड बाय द मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन माय हैंड. तो जब मेरी मसल्स मूव करेंगी दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट टू पुल समथिंग. दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज नोन एज टेंशन. किसी भी चीज को पिकअप करने के लिए मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं. अब जिस चीज को हम पिकअप कर रहे हैं, सपोज आई एम पिकिंग अप द बुक, दैट बुक इज क्रिएटिंग अ फोर्स ऑन माय मसल्स. जितना ज्यादा वेट होगा बुक में वो उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, दैट इज नोन एज लोड. सो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन किस पे डिपेंड करता है, टेंशन और लोड पे डिपेंड करता है. टेंशन क्या है, जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी दैट इज द टेंशन. और जिस चीज को हमारी मसल्स पिकअप कर रही है दैट इज अप्लाइंग वेट, फोर्स इज अप्लाइड बाय दैट वेट एंड दैट इज नोन एज लोड. आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में टेंशन इज गोइंग टू बी सेम. इन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन टेंशन विल बी सेम, देर इज नो चेंज दैट इज कमिंग इन टेंशन एंड द साइज, बट द साइज ऑफ मसल इज गोइंग टू चेंज. सो इफ मसल इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्टेड, यहां पर टेंशन सेम रहती है लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन, देर इज चेंज इन द साइज ऑफ मसल्स, मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है. अगर हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में साइज ऑफ द, इट इज जस्ट ऑपोजिट, साइज ऑफ द मसल इज गोइंग टू सेम बट टेंशन इज गोइंग टू इंक्रीज. सो मसल्स दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, टेंशन सेम रहेगी लेकिन मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, साइज डिक्रीज हो जाता है उसकी वजह से. और अगर कई बार टेंशन इंक्रीज होती है लेकिन मसल्स का साइज एग्जैक्टली वैसा ही होता है. सो दैट इज आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज इम्पॉर्टेंट इन मसल्स. मसल्स में एक साइकिल फंक्शन करती है, दैट नेम वॉज गिवन डिपेंडिंग अपॉन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, कोरीज साइकिल. कोरीज साइकिल क्या बोलता है, सी वन थिंग वी नो अबाउट मसल्स, जब हमारी मसल्स बहुत ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व होती हैं, ज्यादा फंक्शनिंग करती हैं, उस टाइम पे जो मसल्स हैं दे आर हैविंग अ एनएरोबिक कंडीशन, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड नहीं होती है और वहां पर एनएरोबिक कंडीशंस क्रिएट होती हैं. और जब एनएरोबिक कंडीशंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, दिस इज द मसल ग्लूकोज, और अगर एनएरोबिक कंडीशंस में ये मसल ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा देन दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड. हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था एनएरोबिक ब्रेकडाउन के टाइम पे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. सो मसल्स में देर इज अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. नाउ दिस कोरीज साइकिल एक्सप्लेन्स कि जो लैक्टिक एसिड मसल्स में प्रेजेंट है व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस लैक्टिक एसिड, इस लैक्टिक एसिड के साथ क्या होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन कोरीज साइकिल. तो जो मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, ब्लड की हेल्प से दिस लैक्टिक एसिड इज गोइंग टू एंटर इनटू सम लिवर. सो इट इज गोइंग टू फर्स्ट एंटर इनटू ब्लड, ये लैक्टिक एसिड ब्लड में जाएगा. अब इस लैक्टिक एसिड में से जितना लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है, उस लैक्टिक एसिड में से जो 1/5 ऑफ लैक्टिक एसिड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
then this lactic acid is converted into, 1/5 of this lactic acid is converted into water and carbon dioxide. जब ये blood से move कर रहा है तो उस time पे कुछ lactic acid, क्योंकि blood में oxygen present है, उसे break down करके water और carbon dioxide में break कर दिया जाता है. जो बचा हुआ lactic acid होता है, that lactic acid is going to enter into liver. So 4/5 of lactic acid is entering into liver. वो कहां चला जाएगा? Liver में चला जाएगा. अब liver में क्या होगा? This lactic acid will be converted into glucose. Glucose में convert कर दिया जाएगा. और हम जानते हैं कि जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, लीवर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और इस ग्लाइकोजन को वापस से क्या कर लिया जाता है? यूटिलाइज कर लिया जाता है. वापस से ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा और लैक्टिक एसिड में फिर से मसल्स में कन्वर्ट होगा. फिर से यहां से लैक्टिक एसिड ब्लड में एंटर करेगा, कुछ का ब्रेकडाउन ब्लड में हो जाएगा, बाकी का कहां चला जाएगा? लिवर में चला जाएगा. लिवर में इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और वापस से मसल्स के पास चला जाएगा. तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है. मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता रहता है और उस लैक्टिक एसिड को वापस से लिवर से सर्कुलेट होके वापस से कहां सप्लाई कर देते हैं? मसल्स में सप्लाई कर देते हैं. दैट इज Corey's cycle, and that is Corey's cycle is explaining what is going to happen with the lactic acid that is produced in the muscles. Up from here we can understand oxygen depth and muscle fatigue. I am explaining both the topics in combination because they are related to each other. हम मसल, पहले मसल फटीक की बात करते हैं. मसल फटीक सिंपली मीन्स जब कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स डिक्रीज हो जाता है, टेंशन इज गोइंग टू डिक्रीज. ये कब होगा? जब ज्यादा फंक्शनिंग हो रही है मसल्स की एंड वहां पर देर इज कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, और इस कंटिन्यूअस लैक्टिक एसिड की वजह से अब मसल्स बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगी. दे गेट टायर्ड एंड दैट इज नोन एज मसल फटीग. मसल फटीग के रिकवर कैसे किया जा सकता है? अगेन, इफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू फुलफिल तो मसल फटीग कैन बी रिवर्स्ड. और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है? हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है और ब्रीदिंग डेप्थ भी इंक्रीज होती है. दैट इज हेल्पिंग इन गेटिंग अस मोर एंड मोर ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन डेप्थ क्या है? मसल फटीग के बाद मसल्स को रिकवर करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ऑक्सीजन डेप्थ. इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required by muscles to recover, that is oxygen depth. तो जो lactic acid बना है उसको वापस से, lactic acid बना anaerobic respiration से, oxygen की deficiency से, तो इस lactic acid को जब वापस से completely breakdown किया जाएगा, that process is going to require oxygen. So, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी उस प्रोसेस के बाद मसल्स को वापस से नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए, दैट विल बी ऑक्सीजन डेप्थ. और मसल फटीग कब होगा? जब देर इज कंटिन्यूअस अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. और मसल फटीग के लिए व्हाट आर द रिकवरी सिस्टम? द ब्रीदिंग रेट इज हाई, इंक्रीज होगा, प्लस डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विल बी हाई.
प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन रिकवरी फ्रॉम अ मसल फटीग। यहाँ पर जो ऑक्सीजन यूज होती है रिकवरी के टाइम पे वो किसको ब्रेक डाउन कर रही है, लैक्टिक एसिड के कंप्लीट एरोबिक ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, प्लस यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन कौन स्टोर कर लेता है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है मसल्स में। ये मायोग्लोबिन यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन को स्टोर करके रख लेता है फर्दर फ्यूचर यूज के लिए। सो दिस इज हाउ सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द लैक्टिक कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, और कुछ ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, मायोग्लोबिन के पास चली जाती है। दिस इज व्हाट इज ऑक्सीजन डेप्थ एंड मसल फटीग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आर नेक्स्ट क्लास।